व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल देख के तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि आपका भाई आज क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला। तो हमेशा की तरह आपका भाई सेकंड हैंड बाइक्स दिखाता है, लेकिन इस बार आपको बाइक का इंजन आप देख सकते हैं क्या लगा हुआ है। ये क्या है देख लीजिए बढ़िया से। इस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताने जाऊँगा, और यहाँ के जो ऑनर है मिस्टर मिरकल के जो ऑनर है मिस्टर अरिजीत जैसे भी आपको मुलाकात कराएंगे। ये प्रोडक्ट जो है मैं खुद अपने बाइक में लगाया हूँ, इंस्टॉल किया हूँ, तो इसका जो बेनिफिट्स है बहुत कुछ है। ये आपका तेल कम पिएगा, माइलेज वेल बढ़ाएगा, गाड़ी का कार्बन आपका निकाल देगा, सब कुछ। स्पेशली ये आपका भाई का बाइक में लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ का मुलाकात करते हैं यहाँ के किससे, ऑनर से मिस्टर अरिजीत दा के साथ, और सब के बारे में, ये जो प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल उनसे लेते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं अरिजीत दा। के बारे में मैं आपको बता रहा था वो प्रोडक्ट इन्हीं से इन्वेंशन हुआ है। तो दादा नमस्कार, और आप क्या था मिला रहे? आपने ये प्रोडक्ट जो बनाया मेडिकल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, बस बोल नहीं सकता। बस उसका बेनिफिट जो है मैं दादा आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स है, और डिमेरिट भी इसका बताइएगा थोड़ा। पहले बेनिफिट्स इसका क्या क्या प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग वाइजिंग सब कुछ आप हमारे डिटेल हमारे सब्सक्राइबर को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। पहला चीज़ इसका आप मेरिट बताइए। देखिए मेरिट जो है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एचएचओ टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट जर्मन जो टेक्नोलॉजी है, एचएचओ का जो जर्मन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का जो जो बेनिफिट है, पहला जो बेनिफिट है, देखिए बहुत सारे आप तो जानते ही होंगे कि 94% जो बाइकर्स है वो अपने बाइक को कभी भी ठीक ठाक समय पर सर्विस नहीं करते, ठीक है। और जो इंजन ऑयल है वो भी ठीक ठाक से टाइम पे चेंज नहीं करते हैं। तो जैसे कि होता है कि 1200 किलोमीटर अंतर हमको इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए भाई, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है वो आपका इंजन ऑयल का लाइफ बहुत बढ़ा देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 1200 किलोमीटर अंतर वो जो इंजन ऑयल चेंज करते हैं उसको चेंज करना होगा एटलीस्ट अपटू 3 times, मतलब 1200 3×36 मतलब 4000 किलोमीटर के आसपास अंतर अंतर वो मोबिल चेंज कर सकते, मोबिल चेंज कर सकते। ये है पहला बेनिफिट। सेकंड जो है, बाइक का जो सीज होने का जो संभावना रहता है, मतलब ओवर हीटिंग का जो संभावना रहता है बाइक का, ये ओवर हीटिंग नहीं होगा बाइक में कभी भी, मतलब आपका इंजन कभी भी सीज नहीं होगा। ये बाइक का जो टेम्परेचर है एटलीस्ट 30% तक रिड्यूस करके रखता है, ठीक है। और थर्ड जो एडवांटेज है इसका माइलेज। देखिए इस प्रोडक्ट में जो दो गैस प्रोड्यूस होते हैं, मेन दो गैस, और बहुत सारा गैस प्रोड्यूस होता है, वो तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मेन जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बोलते हैं रॉकेट फ्यूल, ठीक है। रॉकेट में यूज होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो रॉकेट को जो पुश करता है हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही जब हम बाइक में ये डिवाइस लगाते हैं तो बाइक में जब हाइड्रोजन जाता है इंजन के अंदर वो एक्सेलेरेटर को पुश करता है, आरपीएम उसका बढ़ जाता है, आरपीएम बढ़ जाता है। जब आरपीएम बढ़ता है उसका जो माइलेज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। और सेकेंड जो सेकेंड थिंग जो है इसके अंदर रहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे बाइक का कभी भी BS4 BS3 ये जो मॉडल है बाइक का 100% पेट्रोल कभी भी बर्न नहीं होता, ठीक है। 70% 80% तक पेट्रोल बर्न होता है, उसके बाद ज्यादातर वो धुएं के साथ निकल जाता है, ठीक है। ये जो करेगा ऑक्सीजन जो करेगा वो पूरा पेट्रोल को बर्न करेगा, जो कम्बशन चेंबर होता है उसमें पूरा पेट्रोल बर्न होगा, इसमें भी माइलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये डिवाइस अगर कोई इंस्टॉल करता है तो माइलेज में लॉन्ग में उसका 40% माइलेज तो इंक्रीज होगा ही होगा, 30-40% माइलेज इंक्रीज होगा। तो सर ये सब तो आप बगल में देख भी सकते हैं, बहुत कुछ लिखा भी हुआ, इंक्रीज लाइफ ऑफ द इंजन ऑयल, नो हार्मफुल पार्टिकुलेट्स इमिशन, उसके बाद इंप्रूव्ड इंजन ऑयल पावर एंड परफॉर्मेंस, ये बहुत सारा आपका जो मेरिट है, तो ये सब तो मेरिट है दादा। और जो है ये जो है मतलब कार्बन जो है, जो कार्बन बाइक में जो कार्बन डिपोजिट होता है वो पूरा कार्बन को ये कार्बोनाइज कर देगा, मतलब बाइक में कोई भी कार्बन जमने नहीं देगा, कार्बन रहने का कोई चांस ही नहीं। इसके चलते भी माइलेज में थोड़ा बहुत माइलेज में पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए जो वर्षा जो बारिश का जो मौसम होता है तब जो दरवाजा जो है वो अटक अटक के जाता है, क्यों जाता है, बारिश के चलते वो थोड़ा खुल जाता है, खुल जाता है। वैसे ही कार्बन जमने से इंजन में भी वैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। जब कार्बन फ्री हो जाएगा तो इंजन बहुत स्मूथ होगा। तो ये सब तो इसका मेरिट था दादा, इसका डीमेरिट क्या है? देखिए डीमेरिट एक ही है, अभी जो BS6 मॉडल जो आ गया है, ठीक है, तो ये BS6 मॉडल में ये डिवाइस काम नहीं करेगा।
नहीं करेगा, मतलब जो BS6 मॉडल में, जो BS6 मॉडल में होस पाइप रहेगा उस मॉडल में काम करेगा, लेकिन जो जिसमें होस पाइप नहीं रहेगा उस मॉडल में काम नहीं करेगा। मतलब डिमांड ये है कि BS6 में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि BS6 मॉडल में ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। BS3 BS4 में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ये लेके आ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट तो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, मैंने तो बाइक में भी लगा के आपको दिखाया कि तो कैसे प्रोसेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी इसका हम लोग दिखा देते हैं। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, पर्सनली बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बहुत खुशी मिल रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है मेरे बाइक में इंस्टॉल हो रहा है जी। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है, हमारे बहुत सब्सक्राइबर है जो बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। तो चलिए प्रोडक्ट ये देख लीजिए आप, ये प्रोडक्ट जो है मेरे बाइक में इंस्टॉल होने वाला है। तो कैसे होने वाला है, हम लोग आ गए हैं एक सर्विस सेंटर में, जो नॉर्मली जो यहाँ पे बाइक सर्विस सेंटर में आप जाएंगे वहाँ पे भी, यहाँ पे वासुदा एक मैकेनिक है। तो दादा आप थोड़ा इनको हेल्प करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे ये इंस्टॉलेशन किया जाएगा, तो चलिए हम लोग इंस्टॉल वासुदा को बुलाते हैं। तो वासुदा ही आइए, वासुदा देखिए वासुदा है। দাদা নমস্কার, কেমন আছেন? ভালো ভালো আছেন। তো তো আপনি ইনস্টলেশন করবেন আমার বাইকে, একটু ভালো করে দেবেন যে আমার মাইলেজটা ভালো করে বেড়ে যায়, কারণ আমার খুব লং লংয়ে যেতে হয়, মানে আমাকে বহু দূর দূর যাওয়া পড়তা হয়। তো দাদা কম বোল রে বেঙ্গলি মে, ঠিক আছে। তো ইসকা ইনস্টলেশন প্রসেস আপনি থোড়া বতা দিজিয়ে কেসে কিয়া জাতা হয়। तो चलिए हम सारे सब्सक्राइबर को थोड़ा बोलिए। देखिए बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों को ये लग सकता है कि बहुत इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, यानी क्या अगर दूर में किसी का घर है तो हम लोग कोरियर कर देंगे। बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है, जस्ट ये दो तार लगाना पड़ता है, वो हमारा वासुदा जो है या कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देंगे कैसे लगाना होता है। और यहाँ पर ऊपर एक पाइप है जो होस पाइप में, ये पाइप जस्ट एडजस्ट ऐड करके दे, बस यही छोटा सा ही प्रोसेस, छोटा सा इंस्टॉलेशन, मतलब 1 से 2 मिनट 3 मिनट का प्रोसेस ही है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का, 10 मिनट का प्रोसेस, मतलब हम लोग वीडियो में 1 मिनट दिखाएंगे लेकिन प्रोसेस 10 मिनट का है। बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो वासुदा हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए वासुदा दिखाइए। हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जी। अब सेकंड स्टेप क्या है? देखिए सेकंड स्टेप जो है, यहाँ पर जो बोल रहा था, जो जो दो वायर है, एक है नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है वो लगेगा इग्निशन के थ्रू, इग्निशन स्विच जो होते हैं वहाँ पर ये लगता है, ठीक है। और ये जो सेकेंड जो वायर है वो मैकेनिक को बोलिएगा, वो जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट में भी लगा सकते हैं या तो अर्थिंग कर दें, ओके, ठीक है। तो मैकेनिक बोल बुझ जाएगा, वो तो एक्सपर्टाइज होता है उनका, ठीक है। तो वो अर्थिंग कर देंगे, ओके। वासुदेव दिखा दीजिए, अर्थिंग करने के बाद अब क्या होगा वो दिखा रहे हैं हम। ये इग्निशन में पहले ये लग गया, इग्निशन में पहले ये लग गया, ओके, ठीक। मतलब रेड वाला तार, हाँ रेड वाला तार जो है, ब्लैक वाला जो है वो अर्थिंग में करेगा, वो अर्थिंग में करेगा, या बैटरी का नेगेटिव पॉइंट से उसको भी जोड़ सकते हैं, तार लगा के एक्स्ट्रा लगा के उसको जोड़ सकते हैं। अब अर्थिंग में टच कीजिए वासुदा, जब ऑन करो डिवाइस, ये दूसरा तार जो है ये अर्थिंग जब होगा हो रहा है, देखिए यहाँ पे लाइट जलेगा, यहाँ पर लाइट जलेगा। अगर ठीक ठाक से इंस्टॉल होगा तो जब बाइक ऑन होगा, देखिए आप यहाँ पर बाइक जब ऑन होगा, अभी ऑफ है तो लाइट जो है बंद है, ठीक है। जब बाइक ऑन होगा तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, लाइट जलेगा, इसके मतलब डिवाइस ओके है। ओके, अब जो है डिवाइस टेस्ट करने का समय कि ये डिवाइस ठीक ठाक से काम करने रहा है कि नहीं, ओके, वो आप दिखाते हैं कैसे हम दिखाते, ओके, वो हम लोग थर्ड प्रोसेस में आपको दिखाते हैं। ये हम लोग ने अर्थिंग तो कर दिया सर, अर्थिंग भी कर दिया, अब आप बता रहे कि डिवाइस चेक करने का प्रोसेस है। देखिए डिवाइस चेक करना है कि अब देखिए ये तो डिवाइस चल रहा है अभी, ठीक है। अब चलने के बाद अब ये जो पाइप है, देखिए ये जो पाइप है ये कैसे पहले लगाना है ये पहले देख लीजिए। जब ये जो ऊपर जो नोजल है ये नोजल ऐसा प्रेस होता है, ओके, ठीक है। ये प्रेस करने के बाद इसको आप घुसा दीजिए तो ये हो गया लॉक, लॉक, ओके, ठीक है। और ये नहीं खुलेगा, इसके बाद जो होगा, इसके बाद ये जो पाइप है ये एक पानी के अंदर घुसाएंगे डिवाइस ऑन करने के बाद, ठीक है। थोड़ी देर वेट कीजिए, देखिए यहाँ पर बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये जो बबल्स है ये मेन काम करेगा बाइक में, जो माइलेज इंक्रीज करेगा और जो 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 काम है वो सब करेगा, वो बबल्स के थ्रू, मतलब बबल्स हो रहा मतलब ये ओके है, ओके है डिवाइस, ओके, ठीक है डिवाइस ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो वासुदा हम लोग के साथ फिर से जुड़ गए हैं, तो लास्ट स्टेप में थोड़ा एक बार, जो मेन स्टेप यही है लास्ट का जी, इसमें बताएंगे सर कि लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा। देखिए बाइक में जो है ये लास्ट स्टेप है, ये जो होस पाइप है बाइक का, ठीक है, इसको होस पाइप कहते हैं, ओके। ये जो एयर फिल्टर और कार्बोरेटर के मिडिल में, ठीक है, होस पाइप रहता है, ओके। इस होस पाइप में छोटा सा एक होल करना पड़ेगा, ओके। होल करने के बाद ये जो
पाइप है, गैस पाइप है, इसको इसमें घुसा देना है। अच्छा, ये लास्ट प्रोसेस है। अच्छा, बस दैट्स इट। दैट्स इट। अगर समझ लीजिए कि कोई कभी इन केस ये प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, तो वो होस पाइप जो होल किया वो उसको कुछ उसका कुछ अलग प्रोसेस है कि उसको होस पाइप को कैसे फिलअप किया जाए? बिल्कुल, देखिए ये होस पाइप बहुत सिंपल है, ये कोई सील भी कर सकते हैं। वो बहुत सारे ऐसे ग्लू लिंक आता है मार्केट में जिसे वो होस पाइप को सील कर सकते हैं, या तो वो होस पाइप को चेंज कर ले। 100-120 रुपए खर्चा आता है होस पाइप चेंज करने के लिए। वो अगर चाहते हैं कि होस पाइप को चेंज करना है वो भी वो कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो आपने हमारे व्यूअर्स को दिखा दिया, नॉर्मली बहुत सुंदर सा प्रोसेस हमने हमारे बाइक्स में इसको इंस्टॉल भी किया। मैं इसको चलाऊंगा भी, चलाने के बाद मैं आपको फीडबैक भी दूंगा किसका फीडबैक, क्योंकि मैं बहुत ही लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, तो हर जगह जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। मेरा अगर माइलेजेबल कुछ समझ में आता है कि माइलेज और मेरा बाइक में कुछ स्मूथनेस आता है, तो मैं जरूर मैं आपको जरूर कॉन्टैक्ट करूंगा। और मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो पर्सनली अभी तक फिलहाल अच्छा लगा जब से इन्होंने बोला कि स्मूथ हो जाएगा, तो स्मूथ मेरा गाड़ी ऐसे भी बहुत कचड़ा ही है समझ लीजिए, वो स्मूथ अगर हो गया तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगा और माइलेज भी मिलेगा, तो बहुत ये तो मेरा गारंटी है स्मूथ होगा ही होगा, स्मूथ होगा। और इसका सर लाइफ इसका कितना दिन का है? देखिए ये तो हम लोग एक साल का वारंटी देते हैं। आराम से ये डिवाइस अगर कोई ठीक ठाक से मतलब ठीक ठाक से मेंटेन करेगा तो मिनिमम 5-7 साल तो ही जाएगा। इसको मेंटेन करने का प्रोसेस क्या है? देखिए इसमें सर जो लिक्विड है, ये लिक्विड पहले जो है 1000 किलोमीटर के बाद चेंज करना है, उसके बाद 2000 किलोमीटर, और आफ्टर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम से ये 3000 किलोमीटर अंतर अंतर ये लिक्विड को चेंज करना। तो बस यही प्रोसेस है। तो ये लिक्विड का फिर इसका प्रोसेस का दाम कितना प्राइस? देखिए बहुत कम है, पहले जो लिक्विड है ये बहुत हाई एफिशिएंट लिक्विड है, क्योंकि इसको ये पूरा बाइक को डिकार्बोनाइज करेगा, बहुत सारा काम करेगा। सेकेंड टाइम से इतना हाई एफिशिएंट लिक्विड हम लोग नहीं देते हैं, बहुत कम, ये 200 रुपए में लिक्विड सेकेंड टाइम से आपका आ जाएगा। आ जाएगा, ओके ठीक है। तो मतलब प्रोसेस जो है बहुत ही इजी है, बस लिक्विड खाली आपको टाइम टू टाइम चेंज करना होगा, रिफिल करना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा चीज़ आप देख सकिए, लिक्विड भी रिफिलिंग आपके थ्रू हो जाएगा। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। बिल्कुल, 1000 किलोमीटर जैसा जो प्रोसेस है आप बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, मैंने भी बहुत सारा डिटेल में आपको बता दिया है, तो मेरा गाड़ी अगर मैं यूज़ करूँगा पता चलेगा कि 1000 के बाद में फिर मैं आपके पास कॉन्टैक्ट करूँगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद ये फिर चेंज करूँगा। तो दादा ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा, सर जब कार्बन कैसे निकलेगा इसका एक बता दे तो बहुत बेटर होता, जिसे गाड़ी में प्रोडक्ट लगा लिया। हम ये डिवाइस आप अगर बाइक आपका ठीक ठाक से मेंटेन नहीं होता तो भी देखते हैं हम, ठीक है, तो इससे भी कार्बन निकल सकता है नहीं भी निकल सकता, ठीक है, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। गारंटी निकलेगा मेरा गाड़ी, पता है कि मेरा गाड़ी का कार्बन पक्का निकलना ही निकलना है। चलिए देखते हैं इसका भी प्रोसेस, आपको हम थोड़ा देर मिनट में बता देंगे, थोड़ा ये प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद। चलिए कार्बन टेस्ट करते हैं दादा जी, देखिए भाई इसमें कार्बन निकलता है कि नहीं निकलता है, देखते हैं। निकला ऑल, क्या थोड़ा सा निकला, देखिए ब्लैक कार्बन धुआं की तरह एकदम वही। ओके, तो ब्लैक कार्बन निकला है, मतलब ये काम किया है थोड़ा बहुत हमारे। अब चलाने के बाद तो और काम करेगा स्मूथनेस में इसका गाड़ी को। मैं चलाऊंगा तो उसका रिव्यू भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सर इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो हमने अपने व्यूअर्स को दिखा दिया, मेरे को बहुत ही मजा आया दिखाने में, और बहुत छोटा सा प्रोसेस था, एकदम 1-2 मिनट मतलब ज्यादा से ज्यादा लगेगा कंप्लीट काम करने में, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो हमने तो इंस्टॉलेशन दिखा दिया, मेन मुद्दा आता है इसका प्राइसिंग, इसका प्राइसिंग क्या होने वाला, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि प्राइसिंग क्या होने वाला इस प्रोडक्ट का, ये ब्यूटीफुल प्रोडक्ट का जिसका नाम है मिरेकल। तो इसका प्राइसिंग का क्या फंडा है सर, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। देखिए ये जो प्रोडक्ट आपका जो बेनिफिट देगा सालाना, तो मिनिमम आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 10-12 हज़ार का बेनिफिट देगा, ठीक है। लेकिन देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि सभी यूजर इसको यूज करें, सभी बेनिफिटेड हों, तो इसलिए हम लोग प्राइस बहुत मिनिमम रखे हैं, ठीक है। हम लोग मात्र ये प्रोडक्ट को 2000 रुपए में, हम लोग 1999 ये हमारा प्राइस अभी तो फिलहाल जो है 3999 का प्राइस है, लेकिन सिर्फ आपके लिए आप हमको रिक्वेस्ट किए हैं। अच्छा, ये हमारे सब्सक्राइबर लोग के लिए स्पेशली डिस्काउंट, बिल्कुल। तो ये हम आपको 1999 में ये प्रोडक्ट आपको 1999, ये जीएसटी के साथ है ना, जीएसटी के नहीं नहीं सर, जीएसटी तो इंक्लूड रहेगा इसमें, इंक्लूड है ना एक्सक्लूड है, नहीं एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है, ओके। तो इसके ऊपर 2000 के ऊपर जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी ऐड होगा। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो एक बार आप यूज करके देखिए, आपका भाई कभी भी कोई गलत चीज नहीं दिखाता है। तो मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत ही जेन्युइन लगा, मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को, फर्स्ट टाइम मैं आपका प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे प्यार करने वाले, अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है
तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर आपका दिया हुआ है। और अगर दादा आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के लिए क्या प्रोसेस, अगर कोई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी, अगर कोई हमारे सब्सक्राइबर और डिस्ट्रीब्यूटर निकल गया, उनको अगर ये प्रोडक्ट लेना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? देखिए, हम तो अपने प्रोडक्ट को लेके इतना कॉन्फिडेंट है, तो हम लोग पहले तो हम बोलेंगे आप 5 पीस लेके ट्राई कीजिए, ट्रायल कीजिए, पहले 5 पीस लेके देख लीजिए। उसके बाद हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो अभी तक खाली है, तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो हमारे बोर्डलाइन में नंबर में आकर फोन कर सकते हैं, ठीक है? उसमें हम लोग पूरा गाइड कर देंगे कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। तो दादा आपने अभी तक, दादा आपने टोटल कितना प्रोडक्ट बाइक में लगा दिए होंगे वेस्ट बंगाल में? देखिए, हम तो एक साल से ये ट्रायल में थे, जब ट्रायल में थे तब तो हम लोग मतलब 200 से 300 प्रोडक्ट तो लगा दिए हैं तब, और जब ट्रायल के बाद जब हम लोग पूरा पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, अभी हम लोग 600 से 700 बाइक्स में ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, तो 6 महीने में आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। अब हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर भी अगर यूज़ करें, मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप हमसे प्यार करते हैं आप भी एक बार यूज़ करके देखिए ये प्रोडक्ट को, इसका नाम है मिरेकल। देखिए, चलिए और कुछ आप बोलना चाहते हैं? हाँ दादा, मैं एक छोटा सा चीज़ बोलूँगा कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं इसका, हम उसको गाइड करेंगे वो आराम से महीने में, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, महीने में आराम से वो 200 से 300 पीस सेल कर सकते हैं, ये हमारा गारंटी, अगर ठीक ठाक से काम करेंगे। ओके, ठीक है, ये हमारा गारंटी। ओके, तो गारंटी आपका है? बिल्कुल, अच्छा से काम करेंगे और गारंटी मेरा है कि ये बाइक का परफॉर्मेंस आपका बढ़ा देगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट दिखा के हमारे व्यूअर्स को, समझ उसके बाद देखते हैं इसका आगे प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस क्या चलता है। मैं इसको यूज़ करता हूँ गाड़ी को, बिल्कुल, उसके बाद मैं सेकंड प्रोसेस में भी आऊँगा और अपने व्यूअर्स को फीडबैक में दूंगा। थैंक यू वेरी मच अरिजीत का, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, हम लोग आप प्रोडक्ट को यूज़ करिए, चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।